नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंजल। इस समय देश में कोरोना वायरस और ओमिक्रॉन के मरीजों की संख्या बढ़ते देखकर मध्य प्रदेश सरकार अलर्ट हो चुकी है। मध्य प्रदेश के जिला कलेक्टर को कोरोना वायरस गाइडलाइन का पालन कराने को लेकर निर्देश दे दिए गए हैं। इसी के साथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान वैक्सीनेशन सेंटर पर जाकर निरीक्षण कर रहे हैं और नए वैक्सीनेशन सेंटरों का अवलोकन भी उनका शुभारंभ कर दिया गया है। आज मध्य प्रदेश में हर जगह गली मोहल्ले गांव में वैक्सीनेशन की सुविधा कदम कदम पर की गई है। जिला प्रशासन भी प्रदेश के मुख्यमंत्री के निर्देश का पालन करते हुए अलर्ट हो चुका है। अब उसी जगह पे चले जाओ ना भाई साहब। यहाँ उपस्थित और प्रदेश में मुझे सुंदर ये बहनों और भाइयों, मोदी जी को मैं हृदय से फिर धन्यवाद देता हूं। आज हमारे 60 से ज्यादा उम्र वाले हमारे वो बुजुर्गवार भाई बहन जो कोमोरबिड है, मतलब उनको और भी बीमारियां, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर या इस तरह की और बीमारियां हैं, उनको आज से कैप्रिकासन डोज शुरू हो रहा है। मुझे एक बात के लिए अपने प्रदेशवासियों को धन्यवाद देना है। मध्य प्रदेश कोविड के प्रहार को इसलिए झेल पा रहा है कि हमने वैक्सीनेशन का काम, टीकाकरण का काम बहुत अच्छा किया है। प्रदेशवासियों को मैं बधाई देता हूं, अपने प्रशासन को, डॉक्टर्स को, पैरामेडिकल स्टाफ को, और टीकाकरण के काम में लगे हुए हर भाई और बहन को मैं धन्यवाद देता हूं कि हमारा फर्स्ट डोज, पहला डोज 96.16% लोगों को लग चुका है, 96.16%। अभी ऑलमोस्ट 100% इसलिए है कि 3-4% लोग तो हमारे प्रदेश में नहीं है, कोई बाहर काम के लिए गया है तो उनका वहां वैक्सीनेशन हो गया होगा। तो मैं ये मानता हूं लगभग पहला डोज हम लगभग अपवाद छोड़ के सभी पात्र बहनों भाइयों को लगा चुके हैं। मुझे ये कहते हुए भी गर्व है और मैं जनता को भी बहुत धन्यवाद देता हूं, स्वयंसेवी संगठनों को धन्यवाद देता हूं। अगर पहले से पीड़ित हैं, पीड़ित का मतलब ये नहीं होता कि आप बिस्तर पर ही हो, आप डायबिटीज जैसी बीमारियां कई को होती है, कई तरह की ऐसी बीमारियां होती, तो वो भी टीकाकरण जरूर करवा लें। कोविड के खिलाफ ये युद्ध हमें जीतना है,
जनता के सहयोग से जीतना है। और इसलिए एक जो रह गए हैं और जो अभी पात्र हैं प्रीकॉशन डोज के लिए, वो भी डोज लगवा लें, और दूसरा मास्क लगा के रखें, भीड़ भाड़ से यथासंभव बचें। अभी हमने स्कूल 50% क्षमता पर चलाने का फैसला किया है, आज मेरी बैठक है, हम एक बार फिर पूरे जिलों को आज मैं जोड़ रहा हूं 3:30 बजे, फिर एक बार पूरी परिस्थिति का विश्लेषण हम करेंगे। नाइट कर्फ्यू हमने लगाया है, बड़े मेलों पे हमने प्रतिबंध लगाया है, लेकिन सामान्य आर्थिक गतिविधियां हमने नहीं रोकी है, क्योंकि मैं जानता हूं और आप भी मानते हैं कि गरीब की रोजी रोटी नहीं छीनना चाहिए, बिजनेस व्यापार चलते रहना चाहिए, अर्थव्यवस्था ठप नहीं होना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ हमको सचेत रहना चाहिए, सजग रहना चाहिए। और इसलिए मेरा सबसे पहला काम सवेरे कोविड की समीक्षा करना होता है, पहले मैं खुद समझता हूं। आज भी हम सारे जिलों से जुड़ रहे हैं, तो फिर परिस्थिति एक बार देखेंगे, लेकिन मुझे विश्वास है कि हमने ढंग से टीकाकरण का काम किया है। ये सावधानी, मास्क की, भीड़ भाड़ की अनावश्यक, वो अगर रोक के रखी, डिस्टेंस हमने ठीक से बना के रखा, तो हम तीसरी लहर तो आ गई है, लेकिन उसकी भयानकता को हम रोक पाने में सफल हो पाएंगे। और इस समय यही सबसे बड़ा लक्ष्य है, कोविड को हराना, जिंदगी जीते, इंसान जीते, और इस महामारी पर हम विजय पाएं, इसमें आप सबका सहयोग जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, कमलनाथ जी कह रहे हैं कि 2 महीने के अंदर पंचायत